नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। विद्यार्थियों के लिए 21 सितम्बर तक बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स को 21 सितंबर तक दोबारा बंद कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से सोमवार शाम इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से सरकार ने एक और सप्ताह तक विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं बुलाने का फैसला किया। शिक्षक पहले की तरह स्कूल्स में आकर ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स को 14 सितंबर तक बंद रखा गया था। मंगलवार को 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का आखिरी दिन है। एक की मौत, मनाली लेह मार्ग बंद, 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। किन्नौर जिले के पूह खंड में रविवार रात करीब 9 बजे थोंगपेत गारंग नाला के पास अचानक भूस्खलन हो गया। इसकी चपेट में आने से नेपाली मूल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हो गईं। रामपुर बुशहर के दुर्गम क्षेत्र 15/20 के शुरू के पांगीधार में पहाड़ी दरकने से 11 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लापता हैं। भेड़ पालकों ने भी भागकर अपनी जान बचाई। वहीं नेशनल हाईवे 5 पर उरनी में पहाड़ से चट्टाने गिरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। निगोसरी में भी भूस्खलन से 2 घंटे तक NH पर आवाजाही ठप रही। खबरी ट्वीट में नहीं ठहरेंगे राष्ट्रपति, शिमला दौरा भी एक दिन कम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शिमला दौरा एक दिन घटा दिया गया है। राष्ट्रपति अब 19 सितंबर को दिल्ली लौटेंगे। नए फरमानों के अनुसार राष्ट्रपति शिमला के रिट्रीट में नहीं ठहरेंगे। सूत्रों के अनुसार रामनाथ कोविंद शिमला के राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में नहीं ठहरेंगे। इसके अलावा रिट्रीट में आयोजित होने वाली हाई टी और एट होम का आयोजन भी नहीं होगा। पहले राष्ट्रपति ने 16 से 20 सितंबर तक शिमला में ठहरना था, लेकिन अब उनका कार्यक्रम एक दिन का घटा दिया गया है। दुआ शव मिले, ठंड ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका। पवित्र धार्मिक स्थल मणिमहेश में 2 शव और मिले हैं, इनमें एक महिला भी शामिल है। अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि ठंड और ऑक्सीजन की कमी के चलते इनकी मौत हुई। सूचना मिलने के बाद भरमौर से पुलिस की रेस्क्यू टीम मणिमहेश के लिए रवाना हो गई। शवों को लाने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। पोस्टमार्टम के बाद ही लोगों की मौत से रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार सोनी ने बताया कि शवों को भरमौर लाया जा रहा है। रविवार को भी पवित्र मणिमहेश के कमलकुंड से करीब 2 किलोमीटर आगे कैलाश के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। डंडों पर कुर्सी बांध गर्भवती को 8 किलोमीटर दूर पहुंचाया, सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जिला कुल्लू की सैंज घाटी के ग्रामीणों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं नसीब हुई। घाटी के ग्राम पंचायत गाड़ा पारली का एक भी गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाया। सोमवार को पंचायत के मेल गांव की गर्भवती महिला मथुरा देवी को प्रसव पीड़ा के बीच डंडों पर कुर्सी बांधकर पैदल चलकर 8 किलोमीटर दूर निहारनी सड़क तक पहुंचाना पड़ा। बरसात में संकरे रास्ते में महिला को ले जाने में 6 घंटे लग गए। प्रसव पीड़ा अधिक होने के चलते प्रसव सड़क पर ही करवाना पड़ा। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को उप स्वास्थ्य केंद्र सैंज ले जाया गया, जहां दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। विक्रमादित्य बोले, अपनी चिंता करें सीएम, ऐसा ना हो कहीं रातों रात चेहरा बदल जाए। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के दूल्हे की चिंता ना करें, ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा। मुख्यमंत्री अपनी चिंता करें, कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात चेहरा बदल जाए। प्रदेश में होने जा रही हैं 1334 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां, जाने कब तक किया जा सकता है आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग 1 अक्टूबर से 1334 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की शुरुआत करने जा रहा है। इस भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इस ऑफिशियल अधिसूचना के अनुसार भर्ती में 1 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सफलता द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल SI बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सोशल मीडिया में पढ़ा 5 नहीं 6 सीएम बदले हैं, कुर्सी बचा लो जयराम।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लो। कहा कि भाजपा के प्रति लोगों में भारी गुस्सा है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में जिस तरह से भाजपा रैली नहीं कर सकती, उसी तरह से बागवानों के खिलाफ मंत्री की ओर से दिए गए बयान के बाद भाजपा शिमला में भी रैली नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये थप्पड़ वाली सरकार है, न जाने किसे कब थप्पड़ पड़ जाए। मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री चहीतों को बैकडोर नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया और वीरभद्र सिंह ने सवारा है, भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं। फॉरेस्ट गार्ड बनने धर्मशाला पहुंचे युवा, मात्र 57 पदों के लिए 46,000 से अधिक ने किया आवेदन। सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में वन सर्कल धर्मशाला ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉरेस्ट भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन वन विभाग ने एक चेयरमैन और एक सदस्य के रूप में कमेटी का गठन किया है। धर्मशाला वन सर्कल की 13 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाली फॉरेस्ट भर्ती के लिए 46,000 से अधिक युवाओं व युवतियों का आवेदन किया गया। हालांकि इस आंकड़े को देख साफ जाहिर हो गया कि कोविड महामारी के चलते प्रदेश में कितनी बेरोजगारी फैली है। कल की धमकी, आज मचा रहे बवाल, हिमाचल में संयुक्त किसान मंच का जोरदार प्रदर्शन। बागवानों और किसानों ने जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। सोमवार को सूबे भर में किसान और बागवान प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला, कुल्लू मंडी सहित कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है। शिमला में शेरे पंजाब से डीसी कार्यालय तक निकाली गई है रोष रैली। वहीं मांगे न मानने की सूरत में 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन कर हिमाचल बंद किया गया। किसान सभा के अध्यक्ष व मंच के सदस्य कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि सरकार को 10 दिनों के भीतर सेब के दाम को लेकर बैठक बुलाने की मांग की थी, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। युवकों को कुचलने वाला एचआरटीसी चालक सस्पेंड। राजधानी शिमला में बीते रविवार को टूटी कंडी बस अड्डे के समीप बाईपास पर एचआरटीसी बस से 2 युवकों को कुचलने वाले चालक को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। रविवार को हादसे में घटना को अंजाम देने के बाद से चालक फरार हो गया था, लेकिन शाम को ही पुलिस ने फरार चालक को पकड़ लिया था और चालक के खिलाफ आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में पाया गया था कि चालक नशे की हालत में था। वहीं निगम प्रबंधन ने भी इसकी पुष्टि की कि चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। ऐसे में निगम ने एक्शन लेते हुए चालक को सस्पेंड कर दिया है। हिमाचल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे एचआरटीसी पेंशनर, 15 को करेंगे रैली। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशन धारकों को बीते 2 माह से पेंशन नहीं मिल पाई है, जिससे एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसके चलते आगामी 15 सितंबर को एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के द्वारा प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन और रैली कर सरकार के खिलाफ रोष जताया जाएगा। ये जानकारी सोमवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एचआरटीसी के पेंशनर कल्याण संगठन के जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने दी। बिलासपुर में स्क्रब टाइफस की दस्तक, अब तक 34 मामले आए सामने। बिलासपुर जिले में जहां बरसात का मौसम पूरे यौवन पर है, वहीं इस मौसम में होने वाले स्क्रब टाइफस ने ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसारने शुरू कर दिए। हालांकि अभी तक एपिडेमिक स्थिति नहीं है, फिर भी इन दिनों इस बीमारी के फैलने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अगस्त माह में स्क्रब टाइफस के 23 व सितंबर माह में अभी तक 11 मामले सामने आए हैं। सीएम जयराम बोले, विवेकानंद अस्पताल में 2 माह में मिलेगी कैथ लैब की सुविधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास में 2 माह में कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। इसके चलते दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को खासी सुविधा मिलेगी। विवेकानंद अस्पताल में कारगिल शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर खुलने वाले नर्सिंग कॉलेज की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। देश भर में प्रदर्शन, सेब के दाम गिरने, मंडियों में लूट के खिलाफ गर्जे किसान। हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम गिरने और मंडियों में लूट से नाराज बागवानों ने सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के बैनर तले शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, सोलन, सिरमौर और अन्य जिलों में विभिन्न किसान संगठनों के साथ मिलकर तहसील, ब्लॉक और उपमंडल स्तर पर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश सरकार को 13 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा गया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।